बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल, जहां पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एटमी पावर बनाया पाकिस्तान को। अरफर करीम ने जो है आईटी के अंदर एक नाम कमाया। जान शेर खान, जहांगीर खान ने स्क्वाश के अंदर पाकिस्तान का लोहा मनवाया। जावेद मियांदाद ने शारजा का छक्का लगाकर पाकिस्तान को 4 चांद लगाए। इरम डार ने पूरी दुनिया में टॉप कर पाकिस्तान की वैल्यू को बढ़ाया। इसी तरह बहुत कारनामे हैं पाकिस्तानियों के, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी की, और ऐ पाकिस्तानी, ऐसे पाकिस्तानी को हम सलूट पेश करेंगे कि जो माशाल्लाह 100 रोटियां खाने वाला पाकिस्तानी है। यानी हम 2-3 रोटियां खाना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो ये जो पाकिस्तानी जिनकी आज हम बात करने लगे हैं, तो ये 100 रोटियां खाते हैं माशाल्लाह। और अनवर नेहरू जो है, जिसका सरगोधा से ताल्लुक़ है, ये रोज़ाना की जो है एक टाइम पे 100 रोटियां खाता है, और 60-70 रोटियां तो इसके लिए कोई मन ही नहीं रखती। तो आप थोड़ी सी वीडियो देखें, फिर जो है बात करते हैं। सरगोधा का शहरी अनवर उर्फ नेहरू मेहनत मजदूरी करके अपना और सिर्फ अपना ही पेट पालता है। 70-80 रोटियां खाकर भी भूख नहीं मिटती, अलबत्ता पैसे खत्म हो जाते हैं। मैं 100 रोटी खाता हूँ, मैं अगर दिहाड़ी ना लगे फिर 20-25 रोटियां खा लेता हूँ, और ये 20-25 साल से मुझे भूख ज्यादा लगती है। खाने के वक्त अनवर जिस होटल का भी रुख करता है वहाँ मेला सज जाता है। लोग होटल पर खाना खाने कम और अनवर को खाना खाने देखने ज्यादा आते हैं। असि रोजाना देखने 100 रोटी खाने तमाशा देखने आने। रोटी वाला पका के थक जाता है, ये नहीं रजता बंदा। होटल का मालिक हो या तनूर पर खड़ा नान भाई, नेहरू को देख के इनका रंग फक हो जाता है। 60-70 रोटी खा जाता, रश पै जाता सर पास। 35 खा जाएगा 40 खा जाएगा, मुझे मुंह हो गया भी देखता रहेगा। मैं कहा बाजी और रोटी लेने थी और पैसे दियो, कहना बाजी आज मजदूरी नहीं लगी। अनवर का कहना है कि वो हुकूमती इमदाद के बगैर पेट की आग बुझाने से कासिर है। मेरी अपील है, मैं अपनी मजदूरी कर अपना पेट नहीं भर सकता मेरा कोई। जी आपने देखा कैसे जनाब अनवर साहब, नेहरू साहब 100-100 रोटियां खाते हैं और अपना पेट पालने के लिए जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो कहते हैं मेरा अपना पेट भी जो है इसे नहीं भरता, कि मैं जो है इतनी रोटियों के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं होते, तो 20-25 रोटियां खाने के लिए पैसे मुश्किल जब पूरे होते हैं तो मेरा पेट फिर भी खाली रहता है। तो गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे मेरा जो है वजीफ़ा लगाया जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान के जहाँ और बहुत सारे कारनामे हैं, वहाँ ये भी एक कारनामा याद रखा जाएगा कि 100 रोटियां जो है माशाल्लाह खाने वाला ये अनवर नेहरू, जिसे वतन की हवाएं और वतन की फ़ज़ाएं सलाम पेश करती हैं, कि अनवर साहब आपको सलाम है, सलूट है कि आपने रोटियां ज़्यादा खाकर, और माशाल्लाह सेहत देखें आप उनकी कि कैसी ज़बरदस्त सेहत है इतनी रोटियाँ खाने के बावजूद। तो बहरहाल आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ऐसे पाकिस्तानी भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो इस फील्ड में भी अपना नाम कमा रहे हैं। और पाकिस्तानी जहाँ भी हो, ऐ पाकिस्तानी तुझे सलाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद।